तो राम राम जी सभी को चिराग की तरफ से भी। खैर भाई अभी हम लोग जा रहे हैं कहाँ पे? अभी हम जा रहे हैं कोई रेस्टोरेंट, एक छोटी सी रोड ट्रिप लगा सकते हो आप लोग, क्योंकि रोड ट्रिप जो है वो ऐसी जगह पे, क्या नाम है उस कैफे का? थ्रोटल करके, तो भाई ऊपर है पहाड़ों में सीख है वो, तो फरीदाबाद हाईवे की तरफ, तो वो मैं दिखाऊंगा आपको। दो गाड़ियां जा रही है, बीचारी विवेक की गाड़ी और इस गाड़ी में चिराग और मैं, दो गाड़ियों का पर्पज क्या था मैं आपको बाद में बताऊंगा कि दो गाड़ियां क्यों जा रही है भाई। सुबह जहाँ दिख रहा होगा अपनी आगे आगे I-20 है, और पहाड़ बोर्ड की बात करूं तो वो सामने पहाड़ भी आ गए हैं, ये आपको दिखाऊं मैं। पहले हमने फरीदाबाद का सोचा था, हाँ फरीदाबाद वाला सोचा था, बट ये दूसरा हाईवे है, मानेसर वाला मेरे को लग रहा है, गैस मानेसर वाला ये उनको बताया, हाँ उसको विवेक को पता है, इसलिए वो गाड़ी आगे आगे। एंड भाई वहाँ पे जो है मैंने सुना है कि थोड़ी मतलब ऐसे गुंडे गुंडे है ना, तो इसलिए दो दो गाड़ियां लेके गए हैं कि भाई लौंडे लौंडे भर के लेके जाएंगे पूरे। मैंने काफी कुछ सुना है। हाँ तो जैसा भी होगा आपको बताते हैं आपको आगे, और मोस्ट ऑफ द लोग इसी तरफ जा रहे हैं, हमें भी इसी तरफ जाना है। सो गाइस आपको दिख रहा होगा हाईवे कितना बढ़िया है यहाँ से, हालांकि थोड़ी सी शाम हो गई है, यही जगह अगर हम सुबह आते हैं तो वो भी ज्यादा बढ़िया रहता, पर हाँ इस टाइम भी आपको दिख रहा होगा पूरी अपनी I-20 वहाँ पे आगे जा रही है। उतरी क्या हो रहा है? ओ भाई साहब देखा भाई जी, सनरूफ ना होना ऐसे बैठ जाओ ठीक है, वो एकदम इतनी क्लोज कॉल थी ना वहाँ पे लगा के मारने वाला था। खैर अभी मैं चलता हूँ एक बार और दिखाते हैं आपको भाई कि कैसा कुछ होगा, और फोटोज लेंगे, सिंगल लेने हैं इसलिए मैं दोनों हाथ से ड्राइव करता हूँ। सो गाइस दिस इज द नियरेस्ट स्टेशन के आप जो है गुड़गांव के आसपास आ सकते हो, एंड ये फोटोशूट भी चल रहा है भाइयों का। तो भाई यहाँ के हम लोग पहाड़ों के बीच में, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और एग्जॉस्ट की आवाज सुनाओ तो भाई फुल एग्जॉस्ट अपने भर भर करते जा रहे हैं। सो गाइस आई होप कि मैंने आपको सुना दी होगी एग्जॉस्ट की आवाज, सुबह से यहाँ से हम लोग जा रहे थे और साइड में एक वितारा में भाई आ रहा था, तो उन्होंने दूर से चलाया कि हर्ष भाई, तो उसके बाद हम लोग वेट कर रहे हैं थोड़ी देर कि वो भाई आएंगे और साइड से आपको दिख जाएंगे कि वो आने वाले देखो चलते चलते जो है रात होगी, यहाँ से दिख रहा होगा आपको कि रात होगी। मोस्टली अपना क्या था कि हम लोग दिन में आएंगे यहाँ पे, बट रात का भी भाई सीन इतना था बढ़िया यहाँ पे, मैं गाड़ी बताऊँ अभी तक हम लोगों को रास्ते में कम से कम नहीं तो कितनी गाड़ियाँ मिल होंगी, बहुत मतलब 100 की करीब, 100 से तो ज्यादा ही होगी कम से कम, मतलब छोटा मोटा अमाउंट नहीं आती जा रही है, और रास्ते में लोगों ने खड़ी कर करके भी जो है लगा रखी है। एंड ये अकेला एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप लोगों को मजा आएगा, और यहाँ से हम लोगों को जाना है इस तरफ बेसिकली आपको दिख रहा होगा नीचे हो रहा, तो उधर जाएंगे हम लोग वहाँ पे, एंड लेट्स सी कैसा कुछ रहता है जब आएगा। तो गाइस देख सकते हो आगे हम लोग लेपर्ड ट्रेल कैफे में, और ऑफ रोडिंग हो रही है काइंड ऑफ, आपको दिख रहा होगा कि आगे इससे भी गाड़ियां दिख रही है, इसुजू है एक और जीप भी है ओपन, तो दिस इज अ नाइस कैफे, और बहुत से लोग आते हैं भाई यहाँ पे एंजॉय करते रहते हैं। खैर अभी चलते हैं आगे और विल शो यू जो भी अपडेट होगा। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो भाई ये है लेपर्ड ट्रेल कैफे, बेसिकली लेपर्ड ट्रेल बोला जाता है ना, एंड गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी करने की बहुत जगह, अपनी तो खैर वहाँ पे हमने बाहर खड़ी करी है क्योंकि जगह नहीं बची थी, अब जैसा भी होगा वी विल शो यू और देखते हैं। हम लोग यहाँ से निकल लिए और भाई मुश्किल से 3-4 मिनट भी नहीं रुकेंगे, और क्यों निकले मैं बताता हूँ, एक बार गाड़ी ऊपर चढ़ा लूँ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा भाई नशे में है पूरे, काफी लोग नशे में आ रखे हैं, काफी लोग नशे में। तो चलते हैं एक बार और फिर मैं बताता हूँ आपको। तो गाइस बहुत से लोग जो है उन लोगों ने भाई शराब पी रखी थी है ना, और फिर चलो भाई गाड़ी देखना अच्छी बात है कि आप लोग गाड़ी देख लो, बट क्या कर रहे थे शराब लोग? गाड़ी का छेड़छाड़, कभी कोई साइड में छेड़ रहा, कभी वो जो पीछे का वाइपर है वो उसको छेड़ रहे कि भाई टॉप मॉडल का लगवा लिया, ये लगवा लिया, कभी कोई स्पॉइलर पे लटक रहा, मतलब कुल मिला के ऐसा सीन वहाँ पे हो गया कि दो तो आगे बैठ गए आगे बोनट पे, हमने बोला कि भाई गाड़ी है साइड में आ जाओ, हाँ मान नहीं बोले तेरी गाड़ी है बड़ा डॉन बना है ये, मतलब उनका वही बेसिकली हरियाणा के जो बोल सकते हैं, मैं ये नहीं बोलूँगा कि क्या, बट दारू पी के जो बकवास कर रहे थे मतलब वही है कि भाई सिंपल सी चीज है कि दारू पी के उन लोगों को पता नहीं था क्या बोलना है। देखो भाई गाड़ी देखना बुरी बात नहीं है, बट बुरी बात है कि आप किसी की गाड़ी के साथ छेड़छाड़ मत करो, वाइपर तोड़ने को गए, अपना स्पॉइलर है उस पर लटक गए, ये करा वो करा, तो भाई कुल मिला के एक झगड़ा टाइप सा ही हो गया था। खैर अब जो निकल लिए और देखते कोई और लोकेशन, और मूड इतना ऑफ हो गया ना जिसकी कोई बात नहीं।
तो भाई दोनों गाड़ियां ये खड़ी अपने आपको दिख रही होगी यहाँ पे। और चिराग क्या कह रहा था तू? अरे भाई मैं यही कहता, ये गलत बात है, वो खुद कोई कुछ खुद को बदमाश समझता है, तो यही कहना है कि भाई बदमाश आजकल सब बदमाश है, तो सही बात है भाई, हर कोई बदमाश है ना। और हमारा गुंडा भाई तो बिल्कुल बदमाश, मैंने तो निकाल के रखा था, रोक लिया मुझे कि नहीं भाई अपना नाम खराब होता है। सही बात है भाई। और क्यों भाई क्यों आना पड़ा जल्दी बता दे, गाड़ी कैसी खड़ी, एक तो I-20 ये खड़ी भाई की और ये खड़ी अपनी दूसरी वाली, क्यों आना पड़ा जल्दी भाई साहब? कैफे के दारू पी के लोग गाड़ी छेड़ रहे हैं अपनी और अपन से कर रहे हैं भाई साहब, अपनी गाड़ी और अपन पे दो हमारे पे की भाई हो गया, मतलब ठीक है भाई गाड़ी देख लो कोई बड़ा इशू नहीं होता, लेकिन गाड़ी छेड़खानी क्यों करे, कोई बच्चे स्पॉइलर पे लटक रहे भाई बताओ, ये फिसल पट्टी थोड़ी ना झूलने के लिए स्पेस पे लटकोगे तुम, पैसे कौन देगा भाई इसके। सबसे बड़ी बात वही लोग, वो दो तो पारिवारिक थे कि भाई दो तो किसी अपने फैमिली के साथ आए थे, बिल्कुल हाँ। बच्चे गाड़ी के साथ छेड़छाड़ करें वो रोकनी चाहिए, तो सही बात नहीं है तो भाई देखो हम लोगों ने अपनी गाड़ी लगा दी है साइड में पार्क पे, यहाँ पे पार्क पे तो क्या मतलब साइड में यहाँ पे ऐसी जगह है इस पे, और अभी थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे क्योंकि गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा था चिराग को और अभी तक डंडा नहीं छोड़ा भाई ने, भाई तुमने रोक दिया गलत किया, ठीक है भाई अभी थोड़ी देर एक बार चिल करते फिर देखते हैं अगर कहीं जाने की जगह मिली, और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से कितनी बढ़िया जगह दिख रहा होगा आपको, एक नंबर का पास में मनाली, लोग मेरे को बोले मनाली घुमा के लाते भाई तभी मैं आ गया था लोगों के साथ अरे एक घंटे मनाली पहुंचा देंगे हाँ। तो गाइस आप लोग गाड़ियां देखो भाई कितनी सारी जा रही है, अगर मैं आपको यहाँ से गिनाऊँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और गाड़ियां आती रहेंगी तो काफी पॉपुलर जगह है, बेस्ट प्लेस है गुड़गांव में हैंग आउट करने की है ना, और सुबह सुबह तो अलग ही मजे अलग ही, वो संडे को बेसिकली संडे मॉर्निंग भाई किस दिन बनी तो मैं सुबह सुबह का व्लॉग भी लेके आऊंगा आप लोगों के लिए है ना भाई, ठीक है जल्दी जल्दी जाते हैं, ठीक है डंडा वापस लेके आएंगे, लाना पड़ेगा भाई चलो ठीक है मिलते हैं। खड़े थे हम लोगों ने एक चीज नोटिस करी कि पहाड़ आपको दिख रहे होंगे और पहाड़ों के बीच में जाइयो तो भाई आपको आवाज आ रही होगी, गूंज के जो आवाज आ रही है मस्त वाली आ रही है ना तो भाई जी आवाज भी आ रही थी, मुझे ये लिख के बताओ कि टीआर का मतलब क्या होता है, कमेंट सेक्शन में कल मैंने मेरे भाइयों से पूछा था टीसी, तो उसमें से कई सारे भाइयों ने बोला भाई टर्बो चार्ज होता है इसका मतलब, और कई सारी चीजें बोली थी, अब टीआर का नंबर बताओ कि टीआर का मतलब क्या होता है।